नमस्कार, आप सबको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पूरे भारत में हिंदी दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं हम लोग? क्योंकि आप सबको मालूम है हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। आपको मालूम है 1947 को 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता मिली, उसके बाद 1950 26 जनवरी को भारत को गणराज्य में भी शामिल किया गया। भारत संविधान के लिए एक भाषा की ज़रूरत पड़ी तो भारत की 13 भाषाओं में हिंदी को ही राष्ट्रभाषा का मान्यता प्राप्त हुआ। आज पूरे देश में हिंदी बहुत ही अच्छे से बोलते हैं लोग। हिंदी संस्कृत की लाडली भाषा जो है, इसीलिए होगा। हिंदी बोलकर हम अपना राष्ट्रभाषा का नाम रोशन करते हैं। और आप सबको मालूम है कि हिंदी भारत की भावात्मक रूप से एक भावात्मक शैली के रूप में एक एकीकृत भाषा है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों, हिंदी बोलना बहुत ज़रूरी है। हिंदी बोलना उतना कठिन नहीं है जितना आप समझते हैं। अगर आपको हिंदी की प्रारूप को अच्छे से मालूम है और हिंदी की व्याकरण शैली को अच्छे से मालूम है तो उसको बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग करके आसानी से आप हिंदी बोल सकते हैं। इसीलिए आपको मालूम है हर साल 15 सितंबर को स्कूलों में संगोष्ठियाँ, समारोह आदि शामिल करके बच्चों की हिंदी भाषाई कौशलों का विकास किया जाता है। बच्चों को हिंदी बोलने की प्रेरणा दी जाती है। कक्षाओं में हिंदी आयोजन, हिंदी संगोष्ठियाँ शामिल की जाती हैं और बच्चों से हिंदी में ही बातें करने को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम हिंदी में बातें करेंगे तो इस भाषा का विकास भी बहुत अच्छे से होगा। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब लोग हिंदी बोलिए और हिंदी का विकास कीजिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, हमारी रौनक है, हमारी शान है। आप सब लोगों को एक और बार मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए मैं ये छोटा सा भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिंद।